वुहान से फैले कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचा दी, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है जब चीन दुनिया के लिए आफत बना हो। कोरोना वायरस अब तक दुनिया में 40 लाख लोगों को अपने गिरफ्त में ले चुका है, 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में ये आंकड़ा 78,000 के पार पहुंच चुका है, यानी कि WHO की माने तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। हाल ही में अमेरिका के NSA रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन पर पिछले 20 सालों में 5 महामारियों को फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने 5वीं महामारी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन चीन के खिलाफ आर्थिक घेराबंदी के संकेत जरूर दे दिए। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश चीन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वजह है चीन का दुनिया के लिए आफत बनना, लेकिन पहली बार नहीं है जब चीन की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में आफत आई हो। SARS, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसे खतरनाक वायरस चीन से ही आए हैं। अब COVID-19 और आर्थिक मंदी ने दुनिया को हिला दिया है। SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोरोना परिवार का ही SARS वायरस पहली बार 2002 में दक्षिणी चीन में मिला था। वैक्सीन की खोज होने से पहले इसने कई जानों को ले लिया। एवियन फ्लू, पक्षियों से फैला ये फ्लू भी चीन की ही देन है। स्वाइन फ्लू, सुअरों से फैले इस फ्लू ने दुनिया में तबाही मचा दी, ये वायरस भी चीन से ही फैला है। और अब कोरोना वायरस, जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने भी घुटने टेक दिए।